दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज हम आपको सुनाते हैं एक अफ्रीकी लोक कथा। अफ्रीकी लोक कथाएं कई मायनों में भारतीय लोक कथाओं से मिलती जुलती हैं। यही वजह है कि उन्हें सुनते हुए एहसास होता है कि यह अपने देश की ही है। यह लोक कथा दो भाइयों के बारे में है जिनमें आपस में बहुत प्यार होता है, यहां तक कि दोनों एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि छोटा भाई बड़े भाई से जरा रूठ जाता है। नाराज होकर वह एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है। इस सफर में कई मनोरंजक घटनाएं होती हैं। क्या कुछ होता है इस यात्रा के दौरान और आखिर कैसे दूर होती है दोनों भाइयों के बीच की नाराजगी, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को
काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। काफी समय पहले की बात है, एक आदमी की दोनों पत्नियों को इत्तेफाकन एक ही दिन बेटे पैदा हुए। एक पत्नी को सुबह बच्चा पैदा हुआ तो दूसरी बीवी को दिन के तीसरे पहर में। जो बेटा सुबह पैदा हुआ उसका नाम अलामा रखा गया और बाद में पैदा होने वाले बच्चे को अबामा कहा जाने लगा। दोनों में खास बात यह थी कि दोनों हूबहू एक शक्ल के थे। जब वह थोड़ा बड़े हुए तो एक साथ ही रहने लगे। दोनों में बड़ा ही मेलजोल था। जब दोनों बेटे जवान हो गए तो उनके पिता ने उनके लिए दो अलग अलग मकान बनवा दिए। अलामा के घर के आगे डुरूमी का पेड़ लगाया गया और अबामा के घर के बाहर चेदिया का पेड़ लगाया गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अबामा की मां साथ छोड़ गई तो उनके पिता ने उसे अलामा की मां की देखभाल में रख दिया। उस दिन के बाद से तो उन दोनों का सारा वक्त साथ गुजरने लगा। दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे। जब दोनों कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता ने उन दोनों के लिए योग्य जीवन साथी ढूंढ दोनों की शादी करवा दी। दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई। शादी की जब सारी रस्में खत्म हो गई तो अबामा सीधे भाई अलामा के घर गया। वहां दोनों खूब सारी बातें करते रहे, यहां तक कि काफी रात गुजर गई। इसका एहसास होते ही अलामा ने अबामा से कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफी रात गुजर गई है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। भाई की बात सुनकर अबामा ने कहा, अजीब बात करते हैं आप भी, हम दोनों में इतनी बढ़िया बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपने घर चला जाऊं। उसकी बात सुनकर अलामा ने कहा, ऐसी बात नहीं है अबामा, घर पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं नहीं चाहता कि वह तुमसे रूठ जाए और यह कहे कि मैंने जानबूझकर तुम्हें घर नहीं जाने दिया, इसीलिए चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा आता हूं। अलामा की बात अबामा की समझ में आ गई, वह घर जाने के लिए मान गया। अलामा अपने भाई अबामा को घर छोड़ने गया तो खुद वहां बैठ गया और फिर दोनों बात करने में मशगूल हो गए। दोनों पूरी रात बात करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई और उनकी बातें खत्म नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि दोनों कई बरस बाद मिले हैं। अलामा ने देखा कि सुबह हो गई है,
तो उसने अपने घर की राह ली। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कुछ देर बाद अबामा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं हाथ मुंह धोकर अलामा के घर जा रहा हूं। अबामा की बीवी ने उसे पानी ला कर दिया। उसने हाथ मुंह साफ किए और फिर वह अलामा के घर चला गया। अलामा उसे अपने घर देखकर परेशान हो गया। उसने भाई को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। तुम उसे वक्त नहीं दोगे तो उसे बुरा लगेगा और फिर तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाएगा। अलामा के समझाने का भाई अबामा पर बस इतना असर हुआ कि वह सोता तो अपने घर था, लेकिन दिन भर वह अलामा के घर पर ही रहता था। दोनों दोपहर और रात का खाना साथ ही खाते थे। उधर अलामा की पत्नी को खाने की हिस्सा बांट पसंद नहीं आ रही थी। अलामा की बीवी ने एक दिन उसके लिए खास खाना पकाया। अलामा खाना खाने लगा, तभी अबामा वहां आ गया। उसे देखकर अलामा खुश हो गया। उसने भाई अबामा से कहा, आ जाओ, बहुत मौके से आए हो, आओ मेरे साथ खाना खाओ। अबामा को यह देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगा कि अलामा उसके बिना ही खाना खा रहा है। उसने बहाना बनाते हुए अलामा से कहा, मैंने अभी दवा खाई है, तुम खाना खा लो। अबामा कुछ देर वहां बैठा, उसके बाद वह अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने नौकर से अपना घोड़ा तैयार करने को कहा। जब घोड़ा तैयार हो गया और यात्रा के लिए जरूरी सामान बांध लिया, तो वह घोड़े पर सवार होकर अलामा के घर गया। उससे कहा कि वह एक सफर पर जा रहा है। उसे यूं तैयार देखकर अलामा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अबामा से पूछा, लेकिन यूं अचानक तुम कहां जा रहे हो? अबामा ने उसे जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम देखना कि मेरे घर के सामने लगे चेदिया की पेड़ की पत्तियां झर रही हैं, तो तुम समझ लेना कि मैं नहीं रहा। यह कहने के साथ ही अबामा ने घोड़े को एक ऐड़ लगाई और वहां से तेजी से चला गया। अबामा अभी कुछ दूर ही गया था कि उन्हें रास्ते में आलू बुखारे का एक पेड़ नजर आया। उस पर दो आलू बुखारे लगे हुए थे। उसने अपने नौकर से कहा, तुम्हें वह दो आलू बुखारे नजर आ रहे हैं ना? तुम उनमें से एक तोड़ लाओ और एक अलामा के लिए छोड़ दो, शायद वह इधर से आ निकले। नौकर उनमें से एक आलू बुखारा तोड़ लाया। अबामा ने आधा आलू बुखारा खुद खाया और आधा अपने नौकर को खाने के लिए दे दिया। इसके बाद उनका सफर फिर से शुरू हो गया।
रात गुजारने के लिए वह दोनों एक शहर में रुके। वहां उन्हें शीनट का एक पेड़ नजर आया। उसमें दो शीनट लगे हुए थे। अबामा ने एक शीनट तोड़ लिया, आधा शीनट खुद खाया और आधा अपने नौकर को दे दिया। उसने दूसरा शीनट वहीं पेड़ पर छोड़ दिया। उन्होंने एक घर में रात का खाना खाया। जब अबामा आधा खाना खा चुका था तो उसने कहा, मेहरबानी करके बाकी आधा खाना मेरे लौटने तक बचा कर रखी। अगले दिन सुबह उनका सफर फिर से शुरू हो गया। दूसरे दिन उन्होंने फिर एक घर में खाना खाया। आधा खाना खा चुकने के बाद अबामा ने कहा, बाकी आधा खाना मेरे लौटने तक संभाल कर रखिएगा। तीसरे दिन उनकी यात्रा फिर से शुरू हो गई। रात होने पर वह एक बुजुर्ग महिला के घर पर ठहरी। अबामा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उसने उस बूढ़ी महिला से एक बाल्टी मांगी ताकि घोड़े को कुएं से लाकर पानी पिला सके। बूढ़ी महिला ने अबामा से कहा, बेटा उस कुएं तक मत जाना, उसमें एक जिन रहता है। हर साल हमें उसे उपहार देना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं। इन दिनों तो हम पानी के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अबामा ने कहा, माँ जी आप मुझे एक बाल्टी तो दीजिए, उस जिन से मैं निपट लूंगा। दोस्तों अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अबामा को बूढ़ी महिला ने एक बाल्टी लाकर दी। अबामा उस बाल्टी को लेकर कुएं की तरफ चल दिया। उसने देखा कि कुएं के बाहर गांव के सरदार की बेटी बैठी जिन के आने का इंतजार कर रही थी। अबामा ने उस लड़की का हौसला बढ़ाया और फिर रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं में डाल दिया। अबामा को लगा कि उसकी बाल्टी को किसी ने पकड़ लिया है। अबामा ने तेज आवाज में ललकारते हुए कहा, जो कोई भी कुएं के भीतर है वह मेरी बाल्टी छोड़ दे, और अगर वह मुझसे लड़ना चाहता है तो बाहर आकर लड़े। जिन ने यह बात सुनी तो अंदर से बोला, ठीक है मैं तैयार हूं, तुम अपनी बाल्टी बाहर खींच लो, मैं भी उस बाल्टी के पीछे पीछे आ रहा हूं। वैसे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से दफा हो जाओ। अबामा ने अपनी बाल्टी ऊपर खींच ली और तलवार म्यान से निकालकर तैयार होकर खड़ा हो गया। जैसे ही जिन ने अपना सर बाहर निकाला, अबामा ने एक पल में ही उसे परास्त कर दिया। जिन जोर से कुएं में गिरा और कुएं से उछलकर पानी पूरे गांव में फैल गया।
अबामा ने सरदार की बेटी को ससम्मान उसके घर भिजवा दिया। अबामा वहां से बूढ़ी महिला के घर आया और खाना खाकर सो गया। सुबह लोगों ने गांव में पानी देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ। उधर सुबह होने पर सरदार की बेटी ने अपने पिता से सारी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनकर सरदार को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने बेटी से पूछा, उसके बाद वह अजनबी कहां चला गया? सरदार की बेटी ने कहा, वह अजनबी गांव के किनारे वाली बूढ़ी औरत के घर ठहरा हुआ है। यह सुनते ही सरदार ने अपने नौकर से उस अजनबी को बुला लाने के लिए कहा। नौकर अबामा को बुलाने के लिए बूढ़ी महिला के घर की तरफ चल दिया और उधर सरदार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अबामा सरदार के घर पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अबामा से कहा, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी इस कारनामे के लिए तुम्हें बहादुर का खिताब देता हूं। इसके बाद सरदार ने अबामा के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने बेटी और अबामा को तोहफे में एक घर दिया। दोनों वहां खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि फसल को खराब करने वाली एक चिड़ियों का झुंड ने गांव पर हमला किया। यह खबर जब गांव के सरदार को मिली तो वह फिक्रमंद हो गया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वह चिड़ियों को हांका लगाकर भगा दे। यह बात अबामा को पता चली तो वह भी घोड़े पर सवार होकर नौकरों के साथ चल लिया। चिड़ियों ने शोर सुना तो वह पहाड़ों की तरफ उड़ चली। अबामा उनके पीछे पीछे था। जब चिड़ियां एक पहाड़ी के करीब पहुंची तो वहां एक गुफा का पत्थर अपने आप हट गया और चिड़ियां उनके भीतर चली गई। अबामा बाकी घुड़सवारी में सबसे आगे था। वह भी चिड़ियों के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर पहुंचते ही गुफा का गेट अपने आप फिर बंद हो गया। अबामा अंदर बंद हो गया था। कुछ देर बाद जब सरदार के नौकर पहाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां अबामा कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने उसे काफी तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। ना उम्मीद होकर वह सब लौट आए और अबामा के लापता हो जाने की खबर सरदार को दे दी। ठीक उसी वक्त अबामा के घर के सामने लगे चेदिया के पेड़ की शाख से एक पत्ती टूट कर गिरी। अलामा इत्तेफाकन उधर से ही गुजर रहा था। उसने पत्ती को गिरते देखा तो समझ गया कि अबामा किसी मुसीबत में है। घर पहुंचकर तुरंत ही उसने अपना घोड़ा तैयार कराया।
और वह भी उसी तरफ यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह आलू बुखारे के पेड़ के पास पहुंचा। वहां अबामा ने उसके लिए एक आलू बुखारा छोड़ दिया था, लेकिन वह आलू बुखारा अब सूख गया था। वह समझ गया कि यह आलू बुखारा अबामा ने उसके लिए छोड़ा था। आगे जाने पर उसे शीनट का पेड़ मिला। उसने अबामा का छोड़ा हुआ एक शीनट को तोड़ लिया। उसने कहा, अबामा ने जरूर यह शीनट मेरे लिए छोड़ा होगा। इसके बाद अलामा उसी घर में रुका जहां अबामा ने खाना रखवाया था। चूंकि दोनों हम शक्ल थे, इसीलिए घर वाले ने समझा कि अबामा लौट आया है। उसने उसके सामने खाना परोस दिया। फिर अगले दिन वह दूसरे घर में रुका। वहां भी उसे खाने के लिए बेहतरीन खाना मिला जो अबामा उसके लिए छोड़ आया था। उस मकान मालिक ने भी यही समझा कि अबामा वापस आ गया है, और आखिर में वह उस गांव में पहुंचा जहां अबामा ने जिनको मारा था। उसे देखते ही लोग खुशी से चिल्लाने लगे, बहादुर आ गया, बहादुर आ गया। यह बात सरदार तक भी पहुंची। उसने तुरंत ही अपने नौकरों से उसे बुलावा भेजा। महल पहुंचने पर उसका स्वागत हुआ। अगले दिन चिड़ियों का वही झुंड फिर आ पहुंचा। सरदार ने घुड़सवारों को हाका लगाने के लिए चिड़ियों के पीछे भेजा। अलामा भी उनके साथ चल दिया। चिड़ियां जब पहाड़ी के पास पहुंची तो गुफा का रास्ता खुल गया। चिड़ियां उनके अंदर चली गई और दरवाजा फिर बंद हो गया। अलामा सबसे आगे था। उसने यह सब देख लिया। वह गुफा के करीब गया और उसने अपनी मजबूत तलवार से गुफा के दरवाजे पर कई वार किए। इससे गुफा का रास्ता खुल गया और अंदर से अबामा बाहर आ गया। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। दोनों सरदार के महल में वापस आ गए। सरदार ने जब दोनों को एक साथ देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यकीनन यह तुम्हारा भाई है, तभी तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। अबामा ने खुशी से कहा, जी हां, यह मेरा बड़ा भाई अलामा है। सरदार ने खुश होते हुए कहा, यह भी तुम्हारी तरह ही बहादुर है। मैं इसे भी बहादुर का खिताब देता हूं। अभी आपने अफ्रीका की यह दिलचस्प लोक कथा सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। नींद से आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है।
आपने अपनी दोनों ही आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।